आज मेरे पास ये एक ऐसा 2-in-1 लैपटॉप आया है जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए मंगाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कोई ऐसा लैपटॉप बताइए जो बजट में हो और 20-25 हज़ार का मिल जाए। पर दोस्तों मैंने तो एक ऐसा लैपटॉप आपके लिए मंगा दिया जो टच स्क्रीन है, टैबलेट भी बन जाता है, 11.6 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है और अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले है इसकी, 1920x1080p की डिस्प्ले है जो बहुत क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी आपको देगी, और साथ ही ये एक लैपटॉप में भी कन्वर्ट हो जाता है और विंडो 10 के साथ आता है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं और क्या ये लैपटॉप वो सारे काम कर सकता है जो आप अपने एक टैबलेट या लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और डिटेल में बताते हैं कि ये कैसा दिखता है, क्या क्या कर सकता है और आपको ये क्यों लेना चाहिए। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये है अबिटा का कॉस्मोस 2-in-1 लैपटॉप। दोस्तों ये कंप्लीट लैपटॉप है उनके लिए जो स्टूडेंट हैं और जो ऑफिस का वर्क करते हैं। ये 4020 यानी कि जो इंटेल का N4020 प्रोसेसर आता है उसके साथ आता है, जो डे टू डे यूजर्स के लिए एक बढ़िया प्रोसेसर है कम रेंज में। 4GB की रैम इसमें मिली है आपको और 64GB का eMMC स्टोरेज मिला है जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं काफी ज्यादा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें लैपटॉप के साथ साथ क्या क्या मिलता है। तो जल्दी से इसकी सील को ब्रेक कर लेते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर हमारा लैपटॉप रखा हुआ है जो काफी अच्छे से पैक किया गया है इस बॉक्स के अंदर भी, और इसको अभी हम उठा के अलग रख देते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे, और इसके बाद नीचे देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो नीचे यहां पर हमें ये दो पैकेट्स मिले हैं ब्लैक कलर के, जिनमें से एक में है चार्जर और दूसरे में हमको मिल रहा है चार्जर के साथ जो एक अडाप्टर मिलता है, क्योंकि ये चार्जर जो है ये इंटरनेशनल चार्जर है और इसमें ये अडाप्टर लगा देंगे तो आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने लैपटॉप की, और यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी पैकिंग में है ये, तो इसको इस पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए ये है आपका लैपटॉप। यहां पर आपको ये डार्क ग्रे कलर मिलता है और ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है और काफी खूबसूरत भी लगता है, काफी पोर्टेबल लैपटॉप है। कि मैंने आपको बताया कि ये एक 11.6 इंचेस की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है जो कि टच स्क्रीन है, और इसके अगर वेट की बात करें तो ये केवल 1 किलो 300 ग्राम का लैपटॉप है जो काफी लाइट वेट है, और इसमें नीचे यहाँ पर आपको डिटेचेबल कीबोर्ड मिल जाता है। अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको पावर केबल लगाने के लिए स्लॉट मिलता है और इसके ऊपर आपको एक 3.0 का USB स्लॉट भी मिलता है। इसके ठीक ऊपर आप यहाँ पर पावर बटन देख सकते हैं और उसके बगल में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर मिनी HDMI केबल की लगाने के लिए एक स्लॉट मिल जाता है, और इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर एक SD कार्ड लगाने के लिए स्लॉट मिलता है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो 64GB का है जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं कोई भी मेमोरी कार्ड लगा करके, और इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर माइक्रोफोन मिल जाता है और राइट में केवल आपको यहाँ पर स्पीकर दिया गया है। अब दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं, और जब हम इसको खोल रहे हैं तो मैं आपको इसके पहले ये बता दूं कि इसके पीछे यहाँ पर आपको इसको टेक देने के लिए एक इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप खोल देंगे तो ये जो टैबलेट है, जो लैपटॉप है, ये आराम से टिक सकता है, और क्योंकि इसका जो कीबोर्ड है वो बहुत पतला स्लिम सा है और इसमें सपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इस ऊपर वाले पोर्शन को जो स्क्रीन है इसको इसकी मदद से टिका सकते हैं, और जब आप इसको डिटैच कर देंगे कीबोर्ड से अलग कर देंगे तब भी आप इसकी मदद से ही, इस स्टैंड की मदद से ही आप इसको टिका सकते हैं। अगर दोस्तों इसके कीबोर्ड की बात करें तो आपको यहाँ पर फुली फंक्शन एक कीबोर्ड मिल जाता है और जिसको आप बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों पूरा सेटअप हो गया है विंडोज का, ये बिल्कुल चालू है और कुछ मैंने सॉफ्टवेयर भी अलग से इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसका टच भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं माउस के टच की बात कर रहा हूँ, इस माउस टच पैड की, और ये इसका राइट क्लिक है और ये आप जैसे नॉर्मल लैपटॉप पे काम करते हैं इस तरह से आप इसको लेफ्ट क्लिक यूज कर सकते हैं, और ये बटन भी है, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये राइट क्लिक और ये लेफ्ट क्लिक, और आपको विंडोज 10 तो मिलती है, साथ में आपको ऑफिस का ट्रायल वर्जन भी मिलता है जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, और इसके अलावा
जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये ज्यादा सॉफ्टवेयर इसमें अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो मैंने कुछ इसमें और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर किया अलग से। जैसे कि देखिए, मैंने ये VLC इंस्टॉल किया जो बड़े आराम से चल रहा है, और इसके अलावा मैंने फोटोशॉप भी इंस्टॉल किया है। ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये अगर इसमें इंस्टॉल हो गया, और देखिए कितनी स्मूथली चल रहा है। 4GB की रैम है इसमें जो काफी अच्छा परफॉर्म करती है और काफी अच्छे से फोटोशॉप भी वर्क कर रहा है। देखिए खुल गया और ये बड़े अच्छे से काम भी कर रहा है। और इसके अलावा मैं कुछ और सॉफ्टवेयर्स इसमें इंस्टॉल करके देखूंगा, साथ ही गेमिंग भी इसमें करके देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है इसमें गेम नहीं हो सकते, लाइट गेम हो सकते हैं, तो ये करके हम लोग देखेंगे, पर ये अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि ये इसका कीबोर्ड कितना मोटा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास एक पेन है, ये देखिए, इसको अगर हम इसके बगल में रखते हैं कीबोर्ड के, तो आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये जो पेन है, ये कीबोर्ड लगभग इस पेन के ही बराबर है, यानी काफी पतला है। और अगर स्क्रीन की बात करें तो लगभग इस पेन से थोड़ी मोटी इसकी स्क्रीन है। तो आप बड़े आराम से, जैसे नॉर्मल लैपटॉप पे काम करते हैं, इसमें आराम से काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसको कंपेयर करते हैं अपने पुराने लैपटॉप से, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, ये एक 14.5 इंच का लैपटॉप है, अप्रॉक्स 15 इंच का लैपटॉप है, और इसके बगल में ये एक 11 इंच का लैपटॉप आप देख रहे हैं। मैं इसको मेजर करके आपको दिखा देता हूं, ये 11.6 इंचेस जो है इसका स्क्रीन है, जो कि टच स्क्रीन है। मैंने अभी इसको टच करके दिखाया नहीं आपको, मैं दिखाता हूं। और ये एक 14.5 इंचेस का लैपटॉप है जो आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया है, इतना स्क्रीन काफी पर्याप्त होती है, सफिशियंट होती है काम करने की। इस बजट रेंज में आपको एक बहुत बढ़िया स्क्रीन मिल जाती है। तो ये तो हो गया फिजिकल ओवरव्यू, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिस्प्ले की और टच डिस्प्ले की। तो अभी हम लोग कीबोर्ड को अलग हटा देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग टैब बना करके देखते हैं कि और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको निकालना बहुत आसान होता है, आपको बस यहाँ पर एक हल्के से प्रेस करना है और इसको ऐसे उठा देना है। तो यहां देखिए, आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं 4, ये इसमें कनेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद आराम से आप इसको कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। और इसको लगाना भी बहुत आसान है, आपको बस इसको इसके सामने इस तरह से ले जाना है कि ये देखिए ये कनेक्ट हो गया और अब आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले हटा देता हूं, कीबोर्ड को हम लोग साइड में रख देते हैं, और इसके बाद देखिए ये आपका टैबलेट बन गया। अब आप इसको आराम से कीबोर्ड फ्री होकर के यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया और इस तरह से आप इसको रख के एज ए टैबलेट यूज कर सकते हैं। चलिए इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन कर लेते हैं और यूट्यूब ऑन करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा रिस्पॉन्स करता है। और बड़े आराम से एक फिंगर से ऑपरेट भी हो रहा है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस लगा मुझे इसका, बहुत बढ़िया टच है इसका। और चलिए इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको सुना देते हैं। देखिए, क्वालिटी बहुत अच्छी है और साउंड क्वालिटी भी आप यहाँ माइक्रोफोन से सुनिए, काफी अच्छी है। सिंगल स्पीकर है पर साउंड क्वालिटी अच्छी है। यूजर्स की वीडियो की बात करें तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, इसकी बैटरी कितनी है। इसमें आपको एक 3750 mAh की बैटरी मिलती है जो 8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप देती है। ब्लूटूथ की वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ 4 मिल जाता है आपको, और साथ में आपको वायरलेस भी मिल जाता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है। तो ये इंटरनेट कनेक्ट है और यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये भी आप इससे कर सकते हैं बड़े आराम से। फुल डिस्प्ले की अगर बात करें तो मैं इसको फुल करके देखता हूं और ये देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप इसको एज ए मिनी टीवी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल टैबलेट है, टैबलेट की तरह तो यूज कर ही सकते हैं, लैपटॉप भी बना सकते हैं अगर आप इस कीबोर्ड को इससे कनेक्ट कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ये टैबलेट है पर कंप्यूटर वाला टैबलेट है, मतलब आप प्रिंट आउट बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, आप मैंने फोटोशॉप डाल के दिखाया, फोटोशॉप चला सकते हैं, मतलब वो सारे काम कर सकते हैं जो आप अपने कंप्यूटर में करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर ही है और थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंप्यूटर है, तो इसको आप ऐसे कैरी भी कर सकते हैं और टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो एक बहुत बढ़िया चीज है ये। वीडियो को शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि ये एक अल्ट्रा HD डिस्प्ले है, तो मैं आपको इसको मैं 8K वीडियो चला करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक 8K वीडियो प्ले किया है और इसकी क्वालिटी आपके सामने है, इतनी गजब की पिक्चर क्वालिटी है इसमें भाई, स्क्रीन तो इसकी बहुत कमाल की है। अगर आप इसको लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी अच्छी टच स्क्रीन दी गई है जो 8K अल्ट्रा HD वीडियो सपोर्ट करती है।
दोस्तों ओवरऑल काफी कमाल का एक्सपीरियंस है और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का ये लैपटॉप है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसको कितने में ले सकते हैं, तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपने जो बजट बना रखा है 25,000 का, उससे आधी कीमत में आपको ये लैपटॉप मिल सकता है। तो इसकी एक्चुअल कीमत है 15,000 से 16,000 के बीच, लेकिन अगर आप कोई कार्ड का कूपन वगैरह या फिर कोई ऑफर वगैरह लगा देते हैं तो आपको 13,000 से 14,000 में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको टैबलेट कम लैपटॉप मिल रहा है, वो भी टच स्क्रीन वाला विंडोज 10 और विंडोज 11 के अपग्रेड के साथ, तो और क्या चाहिए। अगर आप कोई स्टूडेंट पर्पज से लेना है या फिर आपको ऑफिस पर्पज से लेना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट डील है, फालतू में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। और क्यों खर्च करें जब आपको 30,000-35,000 के लैपटॉप में भी सेम प्रोसेसर मिल रहा है और टच स्क्रीन भी नहीं मिल रही। तो बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी डील है। अगले वीडियो में जो मैं इसका बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में इसके सारे सॉफ्टवेयर यूज करके दिखाऊंगा जो ये चला सकता है, सारे मिथ खत्म कर दूंगा और गेमिंग भी करके दिखाऊंगा हैवी वाली जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये लैपटॉप और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।